क्वेश्चन में हमें गिवन है तीन पॉइंट्स ए बी सी। हमें चेक करना है इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो यानी यहाँ पे हम बेसिकली चेक करेंगे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे स्केलर प्रोडक्ट और चेक करेंगे वेदर इट इज़ इक्वल टू जीरो और नॉट। स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे यानी हम यहाँ पे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी ए बी डॉट बी सी बी सी डॉट ए सी एंड सिमिलरली ए बी डॉट ए सी। इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगी और चेक करूंगी कौन सी वैल्यू इक्वल टू जीरो है। जो भी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगी यानी वो दोनों वैक्टर्स मेरे परपेंडिकुलर होंगे यानी उन दोनों के बीच में एंगल होगा मेरा 90 डिग्री। तो वहाँ से मैं शो कर सकती हूँ दैट दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये करते हैं, सबसे पहले ए बी वैक्टर की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ें हमें गिवन है तो ए बी वैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी यहाँ पे बाद में रिटर्न है बी, तो बी के करस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स में से हम ए के करस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स माइनस करेंगे। यहाँ पे आई के साथ 1 है एंड यहाँ पे 2, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे, -3 में से -1 को माइनस करेंगे एंड सिमिलरली -5 से 1 को माइनस करेंगे। तो ये आएगा ऐसे, सॉल्व करेंगे इसे तो ए बी वैक्टर की वैल्यू आ रही है ये। सिमिलरली हम करेंगे बी सी वैक्टर के लिए, सी के करस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स में से हम बी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है ये एंड सिमिलरली सी ए वैक्टर की वैल्यू आ रही है हमारे पास ये। अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ ए बी डॉट बी सी। ये निकालने के लिए इन दोनों वैक्टर्स को मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे आई के साथ -1 है एंड यहाँ पे 2, तो ये होगा -1 इंटू 2 प्लस जे के साथ -2 है एंड यहाँ पे -1 है, तो होगा -2 इंटू -1 एंड सिमिलरली ये होगा -6 इंटू 1। सॉल्व करेंगे इसे तो इसकी वैल्यू आ रही है -6, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम निकालेंगे ए बी डॉट सी ए, तो उसके लिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आई के साथ -1 है एंड यहाँ पे भी -1, तो आएगा -1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस -6 इंटू 5। सॉल्व करते हैं इसे, योगा 1 योगा -6 एंड योगा -30, तो इसकी भी वैल्यू आ रही है -35, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम निकालेंगे बी सी डॉट सी ए वैक्टर, तो उसके लिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को करेंगे -1 के साथ, -1 को करेंगे 3 के साथ एंड 1 को करेंगे 5 के साथ, तो ये आएगा ऐसे। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0, यानी ये दोनों वेक्टर्स मेरे परपेंडिकुलर हैं यानी इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है।